तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा एक तरह एक वीडियो और गाइस, तो ये केवल वीवो बेस है जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है गाइस, आप देखे होंगे, तो चलिए वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीवो एक्सप्रेशन करके एक मैसेज आता होगा, येलो कलर का, देखिए वीवो एक्सप्रेशन करके ऐसा एक मैसेज आता होगा। जब कभी अपडेट हो जाए, आप कभी आप फ्लैशिंग कर रहे थे, या फिर कोई भी ऐसा रीज़न जब आप फ्लैशिंग या अपग्रेड या कुछ भी कर रहे थे, ये वीवो का कोई भी मॉडल हो सकता है, वीवो का एनी मॉडल। तो अगर आपका इस टाइप का मैसेज आए, येलो कलर का वीवो एक्सप्रेशन करके एक मैसेज आए और वो नहीं जा रहा है, आपने ट्राई कर लिया काफ़ी चीज़ों से, फिर आप YouTube पे गए और YouTube पे जाने के बाद आपने कई सारे वीडियोस को देखे, फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक नहीं दो नहीं तीन तरीके से। गाइस, हम कहते हैं एक मेथड फेल होगा, दो होगा, तीसरा तो नहीं होगा, तो मैं तीन तीन मेथड आपको इसके सोल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो को पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट इन तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना ना भूलें कि ये तीन ट्रिक आपको कैसा लगा। चलिए ठीक है, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो जैसा मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे येलो कलर का एरर आ रहा है, एक नहीं मैं तीन तीन सोल्यूशन देने वाला हूँ, एंड सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो सबसे पहला कॉमन टूल है जो सबके पास होता है, वो होता है अनलॉक टूल। मैं भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बता करके नहीं, मैं भी प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा गाइस कि इससे, या 1 2 3, मैं ये टूल पहले ले रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली टूल है क्योंकि सबके पास ये अनलॉक टूल होता है। अनलॉक टूल में गाइस आप देखेंगे यहाँ पे एंड्रॉइड। चलिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी वीडियो बनाएंगे। एंड्रॉइड में जाने के बाद आपको एंड्रॉइड में जाना है, उसके बाद आपको पैकेज मैनेजर पे जाना है। पैकेज मैनेजर पे जाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूंगा, तो आपको करना क्या है, फोन को चाहे तीनों ही टूल आप यूज करें, चाहे अनलॉक टूल यूज करें, चाहे दूसरा वाला, चाहे तीसरा वाला, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, सेटिंग में जाना है गाइस, और आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अबाउट, और सबसे पहले आपको डेवलपर अबाउट में गया। अबाउट में जाने के बाद मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन पे 7 बार क्लिक करता हूँ, जिससे हमारा डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। शायद आपको दिखाई दे या ना दे, तो नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं, क्रॉस से देखें डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद सबको पता है यहाँ पे केवल यूएसबी डबिंग को ऑन कर देना है। देखिए यूएसबी डबिंग को आपको ऑन कर देना है, मैंने यूएसबी डबिंग को ऑन कर दिया। सिंपल ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा केबल को कनेक्ट कर देना है, तो मैं यहाँ पे वही प्रोसेस कर रहा हूँ, मैंने सिंपल डाटा केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बस फोन को यार। तो जैसे आप फोन कनेक्ट करेंगे तो अलाउ का एक ऑप्शन मांग रहा है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे अलाउ कर देना है। सिंपल से आपको क्या कर देना है गाइस, अलाउ कर देना। जैसे आप सिंपल से अलाउ कर देंगे, आप एंड्रॉइड पे गए और यहाँ पे रीड पैकेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे एडीबी इंटरफेस यहाँ पे आपका बना लेगा, तो देख सकते हैं सारे यहाँ पे रीड इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ ऐसा साइड, तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, वही चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक फाइल को डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है। तो चलिए वो फाइल कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको ढूंढना है यहाँ पे वीवो डीमॉन, देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसको अनुमान लगा लीजिएगा, हर एक फोन में आपको डीमॉन सर्विस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको टिक करना है, आप बेसिकली यहाँ ढूंढ लें, अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो वीवो डीमॉन, इसको करना क्या है आपको सिंपल सा कर लेना है अनइंस्टॉल। तो ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप कंफर्म कर लेंगे, देखते हैं हमारा होता है कि नहीं। वहाँ पे जॉब डन तो लिख दिया, पर देख सकते हैं अभी भी येलो मार्क आ रहा है, मतलब अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। एक मेथड ये था, नहीं हुआ तो मैंने बोला दूसरा, नहीं हुआ तो फिर तीसरा, तीन तीन मेथड मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल हमारा जो पहला मेथड था वो फेल हो गया, पर ये काम करता है, कुछ फोनों में काम नहीं करता पर कुछ फोनों में काम करता है गाइस। तो आप इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए जब ये नहीं हुआ तो गाइस हम दूसरा मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। दूसरा मेथड आपको यहाँ पे एक टूल है, फ्री टूल है ये, इस फ्री टूल में आना है। सैमसंग ओटीए डिसेबल ये टूल होता है, फ्री टूल होता है। इसमें आने के बाद सिंपल इससे मैं करूंगा तो इससे भी हो जाता है, पर इससे नहीं हुआ तो मैं आपको तीसरे टूल से भी दिखाऊंगा। तो गाइस तीसरे वाले से मैं फाइनली करूंगा, हालांकि फिलहाल मैं यहाँ पे करूंगा तो ये 90% है कि हो जाएगा। अब इसको कैसे करना है, सेम प्रोसीजर मैंने बोला था तीनों में ही आपको क्या करना है, एडीबी को इनेबल, यूएसबी डिबगिंग को इनेबल करना है। अब सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वीवो फोन एक्सप्रेशन फिक्स, जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा चुटकी में ये काम हो जाएगा। पर एक मेथड मैं आपको और दिखाता हूँ गाइस, तो ये बहुत सारे मेथड होते हैं, मैंने आपको तीन मेथड यहाँ पे इस टूल में बताए फ्री में। तो ये दूसरा मेथड था, आपको यहाँ पे इस टूल को खोलना है, सीधा आपको वीवो फोन एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है यूएसबी डिबगिंग को ऑन करके। चलिए अब मैं आपको एक लास्ट और तीसरा मेथड जो कि प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, परमानेंट सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए उसके लिए मैं यहाँ पे खोलूंगा ऑल इन वन टूल,
इस ऑल इन वन टूल में हम देखेंगे इसको क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले वही आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, आपका ये पोर्ट आना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पोर्ट आना चाहिए, समझ में आ रही मेरी बात। और जैसे एक पहला टैब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 1+1 सेलेक्ट करिएगा, ये जब आप पहली बार टूल खोलेंगे आपको जैसे ये पोर्ट बन करके आएगा ना, ये देखिए मैं यहाँ फिर से चेक करता हूँ, तो देखिए 1+1 तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, 1+1 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एपीके अनइंस्टॉल पे जाएंगे, एक एपीके अनइंस्टॉल पे जाएंगे, ये अगर एडीबी पोर्ट नहीं होगा तो आपका काम नहीं होगा। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी ढूंढना है, डिमोन, तो डिमोन आपको मिलेगा गाइज यहाँ पे, एपीके नेम पे आपको ध्यान देना है, आपको गूगल यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको फटाक से करके दिखाऊंगा, देखिए तो गूगल, तो देखिए यहाँ पे गूगल टॉकबैक नहीं, SMS नहीं, Gmail, तो देखिए यहाँ पे गूगल डो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पे जाने में देखिए डिमोन सर्विस दिखाई दे रहा है। अभी मैंने अनलॉक टूल से किया था, नहीं हुआ था, अब मैं यही चीज प्रोसीजर कर रहा हूँ, फिर मैंने दूसरा टूल दिखाया, अब मैं तीसरा टूल, तो सीधा यहाँ पे कर देना है अनइंस्टॉल। ध्यान से देखिए गाइस, ये फोन हमारा डाटा केबल से लगा हुआ है, कोई फेक वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने किया तो देख सकते हैं यहाँ पे फोन हमारा कंटिन्यू के लिए बोला, कंटिन्यू कर दिया। अब देखेंगे गाइस तो यहाँ पे हट चुका है, कोई भी नहीं आ रहा है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत चुटकी में हो गया गाइस, ये देख सकते हैं। चलिए मैं आपको मेन कैमरे से भी दिखा देता हूँ कि वाकई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिस्टार्ट करके भी आपको दिखा दूंगा। फाइनली देख सकते हैं वो जो प्रॉब्लम था, अभी भी मेरा डाटा केबल लगा हुआ है, पीछे हमारा वो चल रहा है सीन, देख सकते हैं अभी कोई नहीं आ रहा, तो एक बार हम फोन को रिस्टार्ट कर लेते हैं फटाक से और देखते हैं कि हमारा जॉब डन होता है कि नहीं होता है। तो रिबूट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ गाइस। तो मैंने एक नहीं तीन तीन मेथड आपको बताया कैसे आपको रिमूव करना है, तो आपका 99% सॉल्व होगा गाइस। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको बहुत कुछ मेरे इस चैनल से आपको सीखने को मिलता है यहाँ पे। तो फ़ोन को चालू होने देते हैं फटाक से और फिर आपको मैं वापस से दिखाता हूँ कि वाकई में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। हमने आप एक नहीं तीन तीन टूल आपको बताए हैं, चलिए अभी फटाक से ऑन हो जाएगा, सेकंड बूट पे चला गया फ़ोन हमारा, और ऑन होने के बाद देखते हैं कि गाइस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, रिस्टार्ट होने के बाद भी ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए फटाफट आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, और बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये फ़ोन चालू हो जाएगा, अभी डाटा केबल से लगा हुआ है। तो देखिए अब मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ और देखिएगा यहाँ पे बैटरी पे आता था वही एक्सप्रेशन करके जो मैसेज आता था, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है गाइस, मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।